हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। प्रदेश में हो रही बर्फबारी को लेकर बीजेपी नेता के सोशल मीडिया पर हास्यपद बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी नेता और हिमाचल वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरज सिंह नेगी हिमाचल में अच्छी बर्फबारी के लिए जयराम सरकार को श्रेय देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद भारी बर्फबारी हो रही है। हम भाग्यशाली है कि 3 साल से सूबे में भाजपा सरकार बनी है और तभी से अच्छी बर्फबारी हो रही है। वीडियो को देखकर लग रहा है कि सूरत नेगी ने इसे खुद बनाया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने पेज पर शेयर किया है और लिखा है कि यह है भाजपा नेता और प्रदेश वन निगम के उपाध्यक्ष जो प्रदेश में इन दिनों हो रही बर्फबारी का श्रेय सरकार को दे रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि हम किसी भी पार्टी में हो, विचारधारा के हो, पर हमें सार्वजनिक जीवन में चापलूसी से बचना चाहिए। यह किसी के भी हित में नहीं होती, जनता के हित में तो बिल्कुल नहीं। हमारा भक्तों से निवेदन है कि अंधी भक्ति से बचे और प्रदेश के विकास पर ध्यान दे। यह पद आपको जयराम जी का जाप करने के लिए नहीं मिला है। मैं सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के समस्त प्रदेशवासियों को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हर वर्ष अच्छी बर्फ पड़ रही है और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खेती करने वाले, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, और इसके साथ साथ मैदानी इलाकों के लिए भी जनवरी फरवरी में बर्फ पड़ना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसके कारण पूरे साल वर्ष जो है चश्मे पानी ये नहीं सूखते और इसकी जो है इसका लाभ आम लोगों को मिलता है। लेकिन उससे बढ़कर जो है हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जनवरी फरवरी में जो बर्फ पड़ती है ये दवाई का काम करती है, यानी ये मेडिसिन का काम करती है, और इसलिए बहुत ही हम भाग्यशाली है। हम ये कह सकते हैं कि पिछले 3 वर्षों से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में शरदे ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में सरकार बनी है, तब से जो है प्रत्येक वर्ष अच्छी बर्फ पड़ रही है। और यही कारण है कि पिछले साल लो हाइट्स में जहां सेब उत्पादन में जो है फुल स्टॉप लग गया था, दोबारा से वहां पर सेब उत्पादन हुआ है और आज इस वर्ष जो बर्फ पड़ी है उससे और इसको जो है सस्टेनेबल जो है होगा। और लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत भदन की रिपोर्ट। चेस्ट हिल्स परिवार वालों सारियानू लोहड़ी दियां लख लख वदाइयां। द SVN स्कूल विशेस यू अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। द SVN स्कूल अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन नियर कुनिहार। एडमिशंस ओपन। सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विशेस यू अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। आवर एम इज टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर। सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बड़ोग बाईपास कुमारहट्टी। विश्वास जिम्मेदारी का, यकीन एक नई शुरुआत का, शुरुआत एक नए एहसास की, एहसास सुकून का, अपनेपन का। नए रिश्तों वाली फीलिंग बयां नहीं होती, सिर्फ एक्सपीरियंस की जाती है। जैसे गोयल मोटर्स मारुति सुजुकी अरीना, नए रिश्तों की शुरुआत नाउ इन सोलन एंड शिमला। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।